नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्मार्ट इंडिया में। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अलग टाइप का प्रोडक्ट आपके सामने लेके आया हूं जो बहुत ही आपको काम आ सकता है। ठीक है, बहुत हद तक काम आ सकता है क्योंकि यहां पे ये जो प्रोडक्ट है अभी आपको दिख रहा है, ये एक एक्चुअली ऐसे डिस्प्ले है, ऐसा मीटर बोल सकते हो आप, जो आपको एम्पियर भी दिखाता है और वोल्टेज भी दिखाता है, वो भी 30 वोल्ट तक की उसकी कैपेसिटी है और 10 एम्पियर तक का लोड जो है वो आप उसमें चेक कर सकते हो। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है और बने रहे आज के वीडियो के साथ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि बाकी बंदों को भी पता चल जाए। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम इसका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, बट मैंने उसको एक्चुअली यूज़ किया है, पहले चेक किया है कि भाई कैसे वर्क करता है, वो सब मैंने चेक किया है, फिर आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे उसकी प्राइस की बात की जाए तो उसके ऊपर MRP जो लिखी है वो 599 है, लेकिन मुझे ये पड़ा था 320 या 350 के आसपास पड़ा था। ठीक है, तो इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, अगर परचेस करना चाहो तो भी कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन उसको समझना ज़रूरी है क्योंकि ये अगर आप ले लोगे तो काम कैसे करेगा वो हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको हम फटाफट खोल लेते हैं और यहाँ पे हमने इसको कर लिया है ओपन। उसके साथ में आपको दो सॉकेट मिलेंगे, एक तो ये तीन वायर वाला होगा जिसमें रेड येलो एंड ब्लैक वायर है, और दूसरा एक सॉकेट मिलेगा उसमें दो वायर होंगे और वो बहुत ही मोटे होंगे क्योंकि ये एम्पियर चेक करने के वायर है गाइस, इससे हम लोड चेक कर पाएंगे। ठीक है, और बस इतना ही है। अभी आपको दिख रहा है ये है डिस्प्ले और इस डिस्प्ले में हम एम्पियर चेक कर सकते हैं और वोल्ट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है V यानी कि वोल्ट या नीचे A यानी कि एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे आपको दो यहाँ पे सॉकेट देखने को मिलेंगे जो हमने ये वाली जो पिन निकाली थी अंदर वायर वाला जो वो इसके अंदर फिट हो जाएगा इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से उसका फिटिंग है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो कंट्रोल दिए हुए हैं, नीचे वाला जो कंट्रोलर है ये वो नीचे वाले सॉकेट के साथ है, सामने है, तो वहाँ वोल्टेज आप एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर वाला जो है वो एम्पियर का होता है, एम्पियर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल कंपनी में जो सेटिंग है वो अच्छा ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। और अभी हम उसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो वायर आपको दिख रहे है उसमें से रेड और ब्लैक ये दो जो वायर है वो उसको सप्लाई देने के है। ठीक है, तो ये दो जब वायर आप उसको कनेक्ट करोगे एडाप्टर से, यहाँ पे मैं एडाप्टर यूज़ कर रहा हूँ 9 वोल्ट का डेमो के लिए। ठीक है, उसमें उसकी कैपेसिटी जो है वो 30 वोल्ट तक है, लेकिन मैं यहाँ पे 9 वोल्ट से चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये दो वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिए। तो जैसे हमने ये रेड और ब्लैक कनेक्ट किया इस एडाप्टर के साथ, तो यहाँ पे डिस्प्ले आ चुकी है जिसमें नीचे वाला ब्लू है ऊपर वाला रेड है। बहुत ही अमेजिंग दिखता है यार, बहुत मज़ा आएगा यार, ये डिस्प्ले है ना बहुत ही अमेजिंग है। और इतना याद रखो कि इसका वीडियो भी आने वाला है जिसमें मैं पावर सप्लाई बना के दिखाऊंगा, उसमें आप लोड वगैरह सब आप चेक कर पाओगे आराम से और उसमें से वोल्ट भी जितने चाहो उतने ले पाओगे, इसके लिए ही मैंने मंगवाया है। ठीक है, लेकिन उसको समझना भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है हमारा, अभी वोल्ट कब दिखाएगा पता है, ये जो येलो वायर है, ये जो येलो वायर है जब हम रेड के साथ कनेक्ट करेंगे तब जाके ये वोल्ट दिखाएगा। देखो ये अभी वोल्ट दिखा रहा है 9.23। ठीक है, लेकिन 9 वोल्ट का ये एडाप्टर है तो यहाँ पे दिखा रहा है, बिल्कुल सही दिखा रहा है। ठीक है, और अभी हम चेक करेंगे एम्पियर्स गाइड्स। तो एम्पियर चेक करने के लिए क्या करना है आपको, एक मोटर हम ले लेंगे, ये गियर मोटर है आपको दिख रहा है,
और यहाँ पे लेंगे हम ये रेड वायर, और हमारा जो मीटर का जो रेड वायर है मतलब, और हमारा जो यहाँ पे जो सप्लाई दिया था पॉजिटिव वायर पे, यहाँ से एक वायर ले लेंगे, मतलब यहाँ से पावर सप्लाई लेंगे इस मोटर को देने के लिए। यहाँ पे मैं छोटा सा एक वायर कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे रेड वाला जो है वो हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वैसे उसमें नहीं होता मोटर में, लेकिन आप अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट जला रहे हो LED हो गई ये सब, तो उसमें ज़रूरी है ये सब, ठीक है। तो मैं वो भी चेक करके दिखाने वाला हूँ, उसका लोड भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये मोटर घूम रही है अभी आपको दिख रहा है, और इसका वोल्टेज भी ऊपर दिखा रहा है, और नीचे जो दिखा रहा है वो एम्पियर दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो नीचे एम्पियर भी दिखा रहा है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे यार बहुत बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत पसंद आई ये किट। और अब हम LED को चेक करते हैं इसी तरीके से। तो ये रही LED लाइट, और LED लाइट यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो अभी आपको दिख रहा है LED ऑन हो चुकी है, और यहाँ पे हम नीचे उसका लोड भी चेक कर सकते हैं। ये जो लोड है मतलब एम्पियर है, वो 10 एम्पियर तक का आप उसमें इस मीटर में चेक कर पाओगे, ठीक है, ये आप ख्याल रखो। और मैं अभी नेक्स्ट उसका एक वीडियो बनाने वाला हूँ, पावर सप्लाई बनाएंगे हम, जो आपको बहुत काम आएगा और बहुत ही आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक मारो, शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान तो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन है वो ज़रूर प्रेस कर दो। तो दोस्तों आज के वीडियो में था बस इतना ही, अब हम मिलते हैं एक ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।